ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के पीजी कॉलेज में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मिलकर संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी को उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संविधान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोलन के पीजी कॉलेज में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मिलकर संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी को उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संविधान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चे आगे उसका अनुसरण करते जा रहे हैं और ये बच्चा वास्तव में और दूसरी एक लड़की और है गीतांजलि, वो चूक गए। और नारियों के प्रति बाबा साहब अंबेडकर का जो दृष्टिकोण रहा है। अधिक जानकारी देते हुए इस मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने कहा कि आज उनके कॉलेज में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस को सोलन में पर्व की तरह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने न केवल संविधान दिया बल्कि उन्होंने समानता का अधिकार भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज वह न केवल घूंघट से बाहर आई हैं बल्कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। ये सब कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से संभव हो पाया है। आज हमारे महाविद्यालय सोलन में भी संविधान दिवस को बड़ी जोरों शोरों से मनाया। बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं ये कहना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर की तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, मेरी तो इतनी वो नहीं है, लेकिन क्या मैं उनके वो सोशलिस्ट कहूँ, इकोनॉमिक्स कहूँ, राजनेता कहूँ, भारत रत्न कहूँ, हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने हमें सामान्य रूप से अधिकार दिया है, महिलाओं को उठाया है, महिला जो पहले थी, अगर पहले की बात करें अभी की बात करें तो महिला राजा को पैदा कर सकती थी पर राज करने से वंचित रहती थी, शासक को पैदा करती थी शासन करने से वंचित रहती थी, इस दृष्टि में मानव को पैदा करती थी लेकिन अपने मानव अधिकारों से वंचित रहती थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने सामान्य रूप से दर्जा दिया। आज वोटिंग में भी उनको अधिकार है, हर चीज में अधिकार है। इंदिरा गांधी जैसी हमें महिला मिली, नेता मिली, सुषमा स्वराज जैसी मिली, मनीषा छिल्लर जैसी मिस यूनिवर्स मिली, बबीता फोगाट जैसी एक प्लेयर मिली, तो जनाब ये होनहार व्यक्ति का डंका बजता है जनाब, इसे हम बदल नहीं सकते। मैं बाबा साहब अंबेडकर की श्रद्धांजलि देता हूं और ये कहता हूं हमारी युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि देश में अगर हम कुछ कर सकें, एक एक पीछे जो लक्ष्य है हमारे संविधान के प्रति सबको जागरूक करना, हमारे संविधान के बारे में सबको एजुकेट करना और साथ ही साथ जो है B.R. अंबेडकर जी के जीवन को लेकर सबके बीच में उनके जीवन से शिक्षित करना कि किस तरह से उन्होंने इस देश के लिए अपना एक संविधान तैयार किया और उसके साथ में इस देश के अंदर जो है इतनी अच्छी कानून व्यवस्था को पनपने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक संविधान का जो है उन्होंने निर्माण किया है।